मध्य प्रदेश की बड़ी मंडियों में शुमार खरगोन की बीटीआई रोड आनंद नगर कपास मंडी में बुधवार को नए कपास की आमद हुई है, जहां विधायक रवि जोशी, पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार सहित जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों ने विधिवत पूजन अर्चन के बाद नए कपास बिक्री का श्री गणेश किया। यहां 150 वाहन और 80 बैलगाड़ी में कपास पहुंचा। मुहूर्त में पहली बार 11,000 रुपये बोली से कपास बिका। पहाड़ सिंहपुरा खरगोन निवासी कृषक राजेंद्र रघुवंशी की बैलगाड़ी का कपास 11,101 रुपये में खरीदा गया। ये भाव दुर्गापुर किसान कैलाश केसर को मिला, जो बैलगाड़ी में 5 क्विंटल कपास बेचने आया था। सुबह 10:30 बजे पूजा अर्चना हुई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये आज कपास मंडी का मुहूर्त है, आपकी पहली गाड़ी पे 11,000 का भाव, क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो भैया ये भाव कहीं से कहीं तक पूरता ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो आज तारीख में 15,000 से कम भाव पूरता ही नहीं है। पहले देखा गया है 11,000 का भाव, पहले खर्चे भी तो कम थे सर, पहले खर्चे भी कम थे, आज खर्चा भी तो है। क्या लगता है भाव बढ़ने की उम्मीद है? भाव बढ़ना चाहिए तो किसान मर जाएगा। आज जो भाव मिला मुहूर्त, मेरा कहना मतलब है दूसरी मंडियों में 12,000 के समथिंग भाव बोला और अपने जिला में सबसे बड़ी मंडी होने के कारण भी अपने यहाँ 11,000 का भाव दिया गया है। क्या इस बार कपास की आवक कैसी है? बहुत मद्दी बाढ़ा है, क्योंकि किसान तो मरा हुआ पड़ा है, क्योंकि पानी इतना अतिवारित हुई है जिससे कि किसानों का यहाँ चोटी हो गया कपास। क्या नाम आपका? राजेंद्र श्रीराम रघुवंशी, पहाड़ सिंहपुरा खरगोन। आज तो सबसे पहले मैं किसान भाइयों को और व्यापारी साथियों को इस कपास के नए सीजन के मुहूर्त पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाला वर्ष हमारे किसान भाइयों के लिए, व्यापारियों के लिए सुखदायी और समृद्धि भरा और लाभदायी रहेगा। जहां तक भाव का सवाल है, 11,001 के भाव खुले हैं। जैसे जैसे कपास सूखा आते जाएगा कपास के भाव अच्छे होंगे। इस बार सबसे अच्छी बात है कि फसल सबसे अच्छी आ रही है और फसल के साथ साथ उसकी क्वालिटी, पिछले 4 सालों में जो क्वालिटी नहीं आई है वो क्वालिटी इस बार आ रही है। इसके लिए उम्मीद है कि कपास के भाव और अच्छे जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे कपास सूखते जाएगा वैसे कपास के भाव और अच्छे आते जाएंगे। वर्षों के मुकाबले आवक कम नज़र आ रही है? एक्चुअली में अभी आवक ज़रूर कम है, लेकिन हमारी उम्मीद से आज आवक ज़्यादा है, क्योंकि कपास लेट बोया गया है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से जब कपास की स्वाइंग अप्रैल महीने में होती थी तो कपास इस टाइम नुकसान हो जाता था और लोगों को काफ़ी फसल भी कम आती थी और क्वालिटी भी डाउन आती थी, लेकिन कपास का फसल लेट होने के कारण, फसल की स्वाइंग लेट हुई है, इस कारण से अभी आपको आवक कम नज़र आ रही, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे और धूप बढ़ती चली जाएगी आवक भी बढ़ती चली जाएगी। तो 2.5 लाख भाई, पिछले बार 2.5 लाख गठान यहाँ पे खरगोन सेंटर में हुई थी, लेकिन इस बार लगता है कि 3.5-4 लाख गठान होगी और यहाँ पे खरगोन क्षेत्र में ही कपास की फसल अच्छी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस बार कपास बहुत अच्छी मात्रा में बोई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।